मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दस्तावेजों में एक अहम दस्तावेज है पैन कार्ड, और 31 मार्च 2023 से पहले पैन कार्ड को आपको आधार के साथ लिंक करना है। दरअसल आपको बता दें कि कलवा मुमरा के एनसीपी के जो विधानसभा अध्यक्ष है शमीम खान, इनके ऑफिस पर 30 मार्च 2023 तक जो है फ्री कैंप रखा गया है। आप यहां पर पहुंचकर जो है आधार से जो है अपना पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूसरी जगह पर लिंक करवाते हैं तो वहां पर आपसे जो लेट फाइन है वो 1000 रुपया लिया जाता है और 200 रुपया जो है सर्विस चार्ज लिया जाता है। अगर आप यहां पर कराते हैं तो यहां पर आपको सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। दरअसल आपको बता दें कि 31 मार्च 2023 से पहले ही आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक करना पड़ेगा। अगर आप लिंक नहीं करते हैं तो 31 मार्च 2023 के बाद जो है आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा, और इसके अलावा आप जो है बैंक या म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में आप आधार का पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले ही आप इसको जो है लिंक कर देते हैं तो सिर्फ आपका 1000 रुपया फाइन लगेगा। वहीं अगर 31 मार्च के बाद बेकार हुए पैन कार्ड को आप यूज़ करते हैं तो फिर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि आधार से जो है पैन कार्ड लिंक करना अब अनिवार्य हो गया है, और ऐसे में कलवा मुमरा के एनसीपी के जो विधानसभा अध्यक्ष है शमीम खान, इनकी ऑफिस पर 30 मार्च 2023 तक जो है फ्री सर्विस में पैन कार्ड जो है आधार से लिंक किया जा रहा है। जो लेट फीस चार्ज है वही आपको यहां पर देना पड़ेगा। इसके बारे में और पूरी जानकारी जो है एनसीपी के पदाधिकारी शोएब खान ने दी है, आपको सुना। तो भाई आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने के लिए आपके ऑफिस में जो है व्यवस्था की गई है, किस तरह से आप लोग सर्विस का अरेंज कर रहे हैं, क्या पूरी जानकारी? इस्लामुद्दीन भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे लोगों तक, मुमरा कौसा के लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। विधानसभा की राष्ट्रवादी पार्टी की विधानसभा की ऑफिस पे पिछले 21 तारीख से कैंप रखा गया है, सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक अभी रखा गया है। इस पे कई फैसिलिटी हम लोग फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। फ्री ऑफ कास्ट इन द सेंस सर्विस फ्री है, आप कंफ्यूज मत होइएगा जो लोग सुन रहे हैं। गवर्नमेंट की जो फीस है वो फी पे करनी पड़ेगी, उसमें सबसे पहला है आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना, जो ये 31 मार्च को उसकी डेट खत्म हो रही है। अभी फिलहाल उसकी 1000 रुपया पेनाल्टी है जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भरी जाती है, उसकी ऐसी रिसीट आती है भरने के बाद, गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिसीट आती है, वो 1000 पे करने के बाद सर्विस यहाँ से फ्री दी जा रही है। आप जो लोग भी आवाज सुन रहे हो 31 मार्च के पहले आके ये ऑफिस टाइमिंग में अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा दे। दूसरी भी कुछ सहूलियत है, आप अपना वोटिंग लिस्ट में नाम डालना चाहे फ्री ऑफ कास्ट है, यहाँ से वोटिंग लिस्ट में नाम डलवा के आपको कोशिश की जाएगी कार्ड भी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर मिल जाए। 2-3 सर्विस है फिलहाल फोकस किया जा रहा है आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने, क्योंकि उसकी डेट लिमिटेड है। इसलिए आप लोग ऑफिस टाइम पे आके अपना ये लिंक करवा लें। ऑफिस का समय क्या है? 11 बजे से 4 बजे तक, सुबह को 11 बजे से 4 बजे तक। जैसे कि ये भी देखा जा रहा है कई लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम को लेकर मिस्टेक है, पिन रॉन्ग है, तो आपके यहाँ लिंक करने की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो क्या उसको सुधार करने के लिए भी कुछ व्यवस्था? बिल्कुल, अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारे पास ये भी सहूलियत अवेलेबल है, आपके आधार कार्ड में कुछ करेक्शन है, जो भी करेक्शन, नाम करेक्शन, एड्रेस करेक्शन, मोबाइल नंबर करेक्शन, वट एवर इज देयर, आप वो भी अपना करेक्शन करा सकते हैं। पैन कार्ड में भी करेक्शन वो भी हो जाएगा, बट पैन कार्ड का पे नाम करेक्शन होने के बाद 15 से 20 दिन लगता आने में, तो वो चीज़ आप आके ऑफिस पे समझें क्या करना है क्या नहीं करना है, करेक्शन तो हो जाएगा। अगर पैन एग्जैक्टली अपडेट करने में भी समय चला गया तो फिर एग्जैक्टली अगर पैन कार्ड में आपको कुछ करेक्शन करना है तो फिर आपका लिंक फिलहाल नहीं हो पाएगा। करेक्शन होने के बाद जो न्यू नेम आएगा वो आएगा 10 से 15 दिन में, आपका कार्ड आएगा फिर आपका करेक्शन, फिर आपको लिंक होगा। 31 तारीख के बाद पैन कार्ड जो है वो कैसा रहेगा? 31 तारीख के बाद पैन कार्ड जो है निष्क्रिय हो जाएगा। हाँ,
निष्क्रिय हो जाएगा, उसको चालू कराना है तो उसको 10,000 रुपया फाइन लगेगा, ये आप लोग कराइए। एक जो जरूरी बात आप लोगों तक पहुंचानी है, देखिए सारे लोगों के पैन कार्ड बैंक से लिंक होते हैं, बहुत सारी जगहों पे वो काम आता है। 31 अगस्त के बाद जो अब तक अपडेट है, अब तक कोई डेट उसमें एक्सटेंड नहीं की गई है, 31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। फिर आपके जितने भी अकाउंट और जहां जहां भी वो पैन कार्ड जुड़ा हुआ है वो सारे में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है अब अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से आके लिंक करवा लीजिए सारी चीजें छोड़ के। नहीं तो अगर आपने लिंक नहीं करवाया तो 31 तारीख के बाद ऑलमोस्ट 10,000 पेनाल्टी हो जाएगी, 10,000 रुपया आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा तब लिंक हो पाएगा। तो बेहतर है आप 1,000 रुपया पेनाल्टी भर के आप लिंक करवा लीजिए। थैंक यू सो मच।